कोरोना से लड़ने के लिए आगे ये तैयारी करनी होगी, तभी हम जीत सकेंगे ये जंग। कोविड-19 महामारी से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी तरह संक्रमण बढ़ता रहा तो देश और प्रदेश की छोड़ो कोटा में बड़ी संख्या में आईसीयू बेड, नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर्स की जरूरत होगी। वर्तमान में कोटा में सिर्फ 14 सरकारी और निजी अस्पतालों में 329 आईसीयू बेड हैं और लगभग सभी पहले से ही कब्जे में हैं, जबकि महामारी की दूसरी लहर अभी तक अपने चरम पर आई भी नहीं है। कोटा में रोज औसत करीब 1000 रोगी आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये संख्या अपने चरम पर रोजाना बहुत अधिक संख्या तक जा सकती है। पॉजिटिव रोगियों में से 5% को आईसीयू बेड की आवश्यकता होती है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। आईसीयू में औसतन एक मरीज कम से कम 10 दिन तक बिताता है। आने वाले हालातों में 100 आईसीयू बेड की जरूरत पड़ सकती है। केवल बिस्तर ही मरीजों का इलाज नहीं करते, रोगियों के अनुपात में नर्सिंग कर्मी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। आईसीयू में सफलतापूर्वक रोगियों का प्रबंधन ज्यादातर नर्सों पर निर्भर करता है। महामारी की शुरुआत से पहले ही देश भर के सरकारी अस्पतालों में 78% चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी। 30 स्टाफ की और जरूरत होगी। कोविड में सबसे ज्यादा मेडिसिन, एनेस्थीसिया और मेडिकल ऑफिसर की जरूरत होती है। वर्तमान में करीब 35 ही कार्यरत है, जबकि मेडिसिन में 12, एनेस्थीसिया में 10, मेडिकल ऑफिसर के 14 डॉक्टर्स की और जरूरत है। 270 बेड का द्वितीय फ्लोर बनने के बाद भी 30 और बेड आईसीयू के चाहिए। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विंग कोटा के अधीक्षक डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज के SSB ब्लॉक और नवीन चिकित्सालय में सबसे ज्यादा 138 आईसीयू बेड हैं। यह भविष्य में 100 बेड की और जरूरत होगी। हालांकि नवीन चिकित्सालय में 270 बेड का द्वितीय फ्लोर बन रहा है, इसमें 200 बेड ऑक्सीजन के होंगे और 70 बेड आईसीयू। ये 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएंगे। इसके बावजूद 30 बेड और आईसीयू की जरूरत होगी। 7 बेड पर एक नर्सिंग स्टाफ की जरूरत। नियमानुसार 7 बेड पर एक नर्सिंग कर्मी की जरूरत होती है। वर्तमान में SSB ब्लॉक में 40 और नए अस्पताल में 260 नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है। द्वितीय फ्लोर बनने के बाद करीब 100 नर्सिंग स्टाफ की और जरूरत होगी। वर्तमान में पैरामेडिकल स्टाफ 26 ही कार्यरत है।